हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं और एक क्लीनिंग वीडियो लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। पहले मैं लिविंग रूम की क्लीनिंग करूँगी। लिविंग रूम में बहुत सारे धुले हुए कपड़े पड़े हुए थे, उसको मैं तय लगा कर फिर अपनी अपनी जगह में रखूँगी। ये हार्डिक के कपड़े हैं सारे, उसको मैं उसके अलमीरा में रख दूँगी। और उसके बाद मेरे भी कपड़े हैं हार्दिक के घर में भी पहनने वाले बहुत सारे कपड़े होते हैं। कपड़े मतलब जितने बाहर रहे उतने गंदे रह जाते हैं ना, उतने ही मतलब एकदम मैसी होता रहता है। ये हार्दिक के का अलमीरा है, इसमें सिर्फ हार्दिक के ही कपड़े रहते हैं, क्योंकि बच्चों के इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो उसको रखने के लिए अलग से जगह होनी चाहिए। तो ये हार्दिक का अलमीरा है। हार्दिक जब जन्म पैदा हुआ था उसके बाद ये लिया था, तो इसमें हार्दिक के बचपन से लेके अभी तक के सारे कपड़े हैं। एक दिन से लेके हार्दिक के एक दिन से लेके अभी 4-5 इयर्स तक की सारे कपड़े यहाँ पे रखे हैं। और ये सारे हार्दिक के घर में पहनने वाले कपड़े हैं, इसको भी अलग से रखती हूँ, नहीं तो सारे एकदम मिक्स हो जाएंगे, तो कहीं जाने टाइम मुश्किल हो जाता है ढूंढना है कि नहीं। तो हार्दिक के ये अलग से कपड़े उसके अलग अलमीरा में रखते हैं। तो ये है हार्दिक के घर में पहनने वाले कपड़ों का अलमीरा, तो इसमें रहता है हार्दिक के घर में पहनने वाले कपड़े। ये अलमीरा भी एकदम खचा खच भरा हुआ है, मतलब पता नहीं कैसे भर जाता है, खचा खच भरा हुआ है। आज पूजा वगैरह हुई थी ना, और घर में भी ऑफिस में भी, उसके मतलब सारे कपड़े वगैरह को मैंने धुल लिए हैं और सारा कुछ फोल्ड करके अब अपनी जगह में रखूँगी। और ये मैं जब वीडियो बनाती हूँ कभी कभी उस वीडियो में पहनी थी, ये एक सादर मेखला है, इसको भी अपनी जगह पे रखना है। घर छोटा है इसीलिए पूरा मतलब कपड़े इधर उधर फैले रहे तो पूरा मैसी सा दिखता है, तो इसको भी मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ। ये है मेरा अलमीरा, इस पर मैं अपनी साड़ियाँ वगैरह सारा कुछ रखती हूँ। और ये भी मतलब फुल भर गया है, और ये इतना मैसी हो रखा है ना, मुझे इसको मतलब मन नहीं करता। ये देखिए एकदम बहुत ही मैसी हो रखा है। ये मेरी साड़ियों की अलमारी, उसको भी कभी ठीक करना होगा मुझे। हाँ तो गाइज, आप लोगों का बताइएगा आप लोग कैसे हो। और इसके बाद मैं किचन का थोड़ा बहुत है जो क्लीन करूँगी। अभी लंच का टाइम है, लंच टाइम में मैं ये सब क्लीन कर रही हूँ। तो गाइज चलिए मैं चलती हूँ, आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो के साथ बने रहे। थैंक यू गाइज वीडियो को देखने के लिए। मैं ये बैंगन फ्राई करूँगी और एक ऑमलेट बनाऊँगी। तो हम सारा कुछ काम फिनिश करके मैं लंच कर लेती हूँ, और लंच करने के बाद मैं थोड़ा बहुत ये जो ग्रोसरी वगैरह थे तो उसको अपनी जगह में रख रही हूँ, उसको जगह में रखूँगी, फिर मेरा काम ख़त्म। तो थैंक यू गाइस, वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।